खोल दिया। अरे खोल दी आपको देखते ही खोल दी। हाँ तो डॉक्टर घर आया तो पानी लीक होना बंद हो गया भाई। दुबई से हमने स्टाइलिश बुलाए हैं। ओ भाई नहीं तो ये जो एरिया था ना ये पूरा मिट्टी मिट्टी था। अभी तो देखोगे लो भाई लो दोबारा से लग गया लेकिन इस बार ना हल्का हल्का सा गैप। तो ये हमारे घर के बाहर डॉग बैठता ना उसने देखो क्या किया है। तो भाई ये नींबू नहीं हमने सोना खरीदा सोना। तो सीमा दीदी आ चुकी है और सीमा दीदी आपको पता कल मुझे अवार्ड मिला था। ये देखो बधाई हो भैया हाथ में लेके देखो मेरा नाम भी लिखा है इसके ऊपर। अच्छा लग रहा है ना भैया। और ऐसा बोलो कि आगे और भी मिले ऐसे अवार्ड इससे बड़े भी मिलेंगे। अरे दिल खुश कर दिया सही है भाई दो चार दिन तो मैं इसको देख के खुश होता रहूंगा। ओ भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है बाहर ये निकल रहा है। नहीं 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 ये देख ना जो प्लग लगा हुआ है ना। हाँ भाई करंट भी हो सकता है इसमें करंट भी हो सकता है। हाँ प्रीति चिपक मत जाइयो एक ही बहन है दिक्कत हो जाएगी फिर। आरू वाले को फोन करते हैं। आरू वाले का नंबर है तेरे पास शंकी मेरे पास। हाँ शायद होगा मेरे पास। पानी की लीकेज कहाँ से बिजली की तार में से पानी आ रहा है। सीमा दीदी कोई लक्कड़ की डंडी लाओ पहले ये मैं प्लग उतार दूँ। नहीं बेलना दे देना ये नहीं देता हूँ प्लास्टिक में खंड नहीं होता प्लास्टिक में नहीं होता है। चप्पल डाले हो ना काश तू स्कूल गई होती ना बहन। फोन कर मत करना पागल है गीला वो ना ही कहा है तू नहीं है पानी यार तो इधर आ यार। अरे इधर आ नहीं नहीं यार। सीमा दीदी सफाई कर रही है और ये गंद मचा रहा है यहाँ क्या हो रहा है भाई ये हैं हिटा मत दिखा एक बार तो दिखा दे यार प्लीज यार। आरओ को पता कैसे सेव करा हुआ है एआरओ आरओ वाला का नंबर एआरओ। अगर आरओ वाला का नंबर सेव करना सिंपल आरओ लिखोगे ना लिखिए एआरओ आरओ आरओ दिखा दे दिखा तो सही बेवकूफ। भाई दुबई से हमने स्टाइलिश बुलाए हैं। ओ भाई ये वो लग रहा है सतेंद्र सरताज नहीं होता ला बल्ले शेरा जिम जा रहा है रोज डोला दिखा। ओ माय गॉड अभी तो मेरे डोले से बड़ा इसका डोला लग रहा है। बस कटिंग है यहाँ पर थोड़ी अब मैं शुरू करूंगा यार दोबारा से। हर बार ये कहता और फिर एक हफ्ते बाद गायब होता घूमने के लिए फिर छूट जाता जिम हमारा। मैंने भी सुना देखी नहीं है। कौन सी मूवी देख रही है उंगली जो करने की आदत है ना वो इसको देखनी है उंगली भाई बस सच्ची मैंने मोबाइल ऑन करता अपना फोन दिखाने के लिए इसका स्क्रीन गार्ड टूट गया और भाई चंद तूने बोल दिया और तू फंस गई। और हमारे फोन का ना भाई स्क्रीन गार्ड बिल्कुल टूट चुका चूर चूर हो चुका है ये देखो। तो ये स्क्रीन गार्ड चेंज कराना और पीछे का जो हमने वो लगाया था ना रैप वो भी उतर गया सिर्फ ये वाला रह गया डिजाइन और साथ में स्क्रीन गार्ड भी लगवा लूंगा। जब मैं शिमला से दिल्ली पहुंचा ना उसके बाद अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आती अपनी फ्लाइट थी मैं केरला निकल गया था और हमारी बाइक इतनी ज्यादा गंदी थी ना लेकिन पीछे से आई थिंक चंदन भैया ने धो दिया अभी चमक रही है चमक तो नहीं थी हल्की हल्की मिट्टी दोबारा पड़ गई लेकिन पहले से काफी ज्यादा साफ हो गई है। नहीं तो ये जो एरिया था ना ये पूरा मिट्टी मिट्टी था। अभी तो देखोगे ना दोबारा से काफी मिट्टी चढ़ गई है इसके ऊपर लेकिन ठीक है यार बाहर खड़ी होगी तो भाई ऐसे मिट्टी मिट्टी होगी। अभी मैं तीनों बाइकों को ना कवर लेके आऊंगा। आप भी सोचोगे भाई हर बार बोलता रहता अपनी बाइक का कवर लेके आऊंगा लेकर आऊंगा लेकिन लेकर नहीं आता। अभी ना धूप इतनी ज्यादा होगी मेरे को डर लगता रहता है कहीं बाइक का ना कलर ही ना उड़ जाए। अभी हम जा रहे हैं 23 सेक्टर की मार्केट हमारा स्क्रीन गार्ड चेंज करना है इस पे बेडशीट डाल देते हैं। हाँ चादर भी डाल सकते हैं वैसे बात तो सही है। अरे हमारी गाड़ी के नीचे सो रहे थे कहाँ जा रहे हो इसके नीचे सो जाओ भागने को थोड़ी बोला। और आज ना दिल्ली का टेम्परेचर पहले से काफी सही है 35 डिग्री नहीं तो 45 तक चला जाता है। आज तेरे को गर्मी नहीं लग रही ज्यादा लग तो रही है ह्यूमिडिटी तो है भाई। तो प्रीति कह रही मैं भी चेंज करवा लूंगी ये कवर है स्किन लगी हुई है पीछे तो कवर है ये तो वही था जो तेरा भी लाई थी इकट्ठे तो लिया था। हां सही है सबसे मुश्किल काम होता है भाई इसमें से छांटना कौन सी स्किन लगाई जाए इतनी सारी है ना। तो भाई हमने सिलेक्ट करा ये वाला लगवाएंगे बिकॉज अपने को कार्टून वार्टून नहीं पसंद है और प्रीति अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पा रही इतनी ज्यादा कंफ्यूज है भाई छोटा काट दिया सही में हाँ देख ले शर्ट लगा ले कितने अगर पिछली बार इतना हुआ तो अब तूने काट दिया गलती से वो बात अलग है ये छोटा है सही में छोटा है चल तू लगा सही इसको पूरा वो वाला लगवा रहे हैं एक्चुअली थोड़ा छोटा कट गया था हाँ हमारी तो आंखें नहीं है हम तो देख ही नहीं पा रहे थे हैं टिच बटन है तो भाई की भी गलती नहीं है मशीन की थोड़ी गलती है हो जाता भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इंसान भले गलती ना करे लेकिन मशीन गलती कर सकती है ये ऐसा कह सकते हैं मशीन गलती ना करे इंसान कर सकता है मतलब समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ गलती होगी अभी दूसरा लगवा रहे लो भाई लो दोबारा से लग गया लेकिन इस बार ना हल्का हल्का सा गैप रह गया कॉर्नर में पिछली बार से लगाया था इस बार चीटिंग कर दी तूने वाह इतना खुशी खुशी आया था टेम्पर लगवाऊंगा पीछे की स्किन लगवाऊंगा लेकिन मजा ही नहीं आया।
मतलब कहते हैं ना कि हाँ एकदम फोन बढ़िया लग रहा होता है, लग रहा है। देखो जो बंदा अनजान होगा ना, जिसको नहीं पता होगा कि स्क्रीन पूरी नहीं लगी, उसको नहीं पता लगेगा। जिसको पता है ना, जैसे मेरे को पता है, तो मेरा ध्यान सीधा उधर ही जा रहा है, कॉर्नर कॉर्नर से गैप रह रहा है। चलो कोई बात नहीं, भैया कह रहे अगली बार आना दोबारा लगा दूंगा, अगली बार मैं शायद कहीं और ही जाऊँ। तो ये देखो भाई, यहाँ 40 डिग्री दिखा रहा है और यहाँ दिखा रहा है 35। कहते रहो, और अभी जब मैं गाड़ी में बैठा ना, तो मेरे को एकदम से फील हुआ कि भाई 35 तो नहीं हो सकता, ये 40 पा रहा है और 40 तो मोबाइल पे दिखा रहा है, कम से कम 42 डिग्री टेम्परेचर है। तो भाई हम लोग आए थे यहाँ पर नींबू लेमन पीने के लिए, आज भैया ही नहीं खड़े, ये तो जूस वाले हैं, नहीं खड़े, यही होता पक्का। गर्मी को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा घर पहुँचने से पहले एक नींबू लेमन पी लेते हैं, शरीर में थोड़ी ताजगी आ जाएगी। देखो जितना पानी पियो ना उतना बढ़िया, और जितना नींबू पानी पियो उतना और बढ़िया। लेकिन भाई आज भैया ही नहीं है, घर पे बनाना पड़ेगा तेरे को। ये क्या बनाएगी सीमा दीदी, बनाएगी चल ठीक है। नींबू नहीं, अब नींबू नहीं बोल रहा उनको, सोना बोल, सोना लेती हूँ, महंगे है ना नींबू, हाँ वाला सोना लेते हैं ना, फ्रूट ना लेके जाए। हाँ कोई भी हमारे घर आए मेहमान आ रहा, तो भाई 1 किलो नींबू 2 किलो नींबू लेके, फ्रूट फ्रूट नहीं बहुत है हमारे पास, सस्ते हो गया, हमने कौन से लिए, आई बार पूछ लेते हैं। कैसे दिए? 100 रुपए किलो अभी भी है, सस्ते हो गए, आधा किलो दे दो, 400 रुपए बिका है, 400 रुपए किलो नींबू बिका। मेरे को तो प्राइस का आइडिया भी नहीं था, प्रीति बता रही थी, मैं मान भी नहीं रहा था, भैया बता रहे 400 रुपए किलो तक गया, 250 रुपए किलो तो हम ला रहे थे। तो भाई ये नींबू नहीं, हमने सोना खरीदा, सोना, आजकल सोना रोड पे बिक रहा है। तो ये हमारे घर के बाहर डॉग बैठता ना, उसने देखो क्या किया, उसको मजा आ रहा होगा ना। एक्चुअली क्या ना, गर्मी है ना, उसको ठंडी जगह चाहिए होगी, वो मिट्टी निकाल के उसमें बैठा होगा, उनको भी तो ठंडक चाहिए ना यार। भैया अपनी बोरी ले लो, वहाँ रह गई थी। कैसा लगा मेरे फोन का ये क्या है? अरे बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। एक काम मेरे को भी तो दे। अरे मैं ये बोला लूँ ना। अबे जा करे हो। वो हम तो मीठे हैं यार। इतने दिन ट्रैवलिंग करते करते ना, तुम्हारे भाई के नेल्स देखो कैसे हो गए, और मेरे नेल्स की ग्रोथ ना भाई बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी साफ़ सफाई कर ली जाए। आराम से तो भाई चिड़ियों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इनको भी भाई दिन में 2 बार ही पानी देना शुरू कर दो। गर्मी सच में बहुत ज़्यादा, जितना पानी आप डालते हो जितना ये सूख सकते सूख लेते, नहीं तो बाकी सूख जाता है। देखो भाई जैसे हमें गर्मी लगती है ना, हमारी बाइक को भी गर्मी लगती है। इन पे तो चादर डाल दी, एक चादर उस पे भी डाल देता हूँ, कम से कम रंग तो नहीं उड़ेगा इनका। दिखाइए अपना फोन का कवर। तो सीमा दीदी ने बोला ये कौन सा कार्टून लगवाया, कौन सा कार्टून है भैया, एक बार बता दो सच्ची अच्छी, प्लीज सीमा दीदी बोलो। नहीं सीमा दीदी बोले, नहीं आप बताओ, बताओ ना, अरे ऐसा नहीं यार बोलो, अब बोलो तो सही एक बार। तो भाई हमारी सीमा दीदी भी अब भाव खाने लग गई है। सीमा दीदी ने पता कौन सा कार्टून बोला था इसको, चिनचैन, चिनचैन, सीमा दीदी शिनचैन है, शिनचैन, शिनचैन नहीं है भाई, शिनचैन है। सीमा दीदी अब आप भाव खाने लग गए बहुत ज्यादा, हाँ भाई ये आगे हमारा नींबू पानी और चीनी ऐसी घोलिया ना, ये दे भागी सीमा दीदी। और ये देखो आज फिर इसने नेपाल की टी शर्ट पहनी हुई, आज फिर बड़े सारे कमेंट आएंगे नेपाल से, ये नेपाल इसको पसंद है यार। हाँ सही है, तेरे को नेपाल ही छोड़ाएंगे, फिर हम तेरे से मिलने आया करेंगे। इसको नेपाल पसंद है, इसकी माँ को मोमोज पसंद है। और मेरे को नींबू पानी पसंद है। अबे तेरे को चॉकलेट पसंद है। सही। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो पागल, ये कि ना अपनी बॉल में कैची मार के उसको फोड़ रहा है। अगर प्रीति को पता लग गया ना, इतना मारेगी ना वो तेरे को, तेरी बॉल है तो फोड़ देगा, कर दिया ले। और मैं क्या सोच रहा हूँ ना, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बिकॉज शाम को मेरे को किसी जरूरी काम से जाना है दिल्ली, और हो सकता है मैं रात को ही आऊँगा, जिम अपना छूटेगा तो घर पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। 2 दिन हो गए मैंने एक्सरसाइज नहीं करी, मतलब 2 दिन जो केरला गए थे ना वो एक्सरसाइज नहीं करी, जो शिमला से ऊपर गया था मतलब जो बाइक राइड पे गया था वहाँ मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी, लेकिन 2 दिन से छूट गई, आज कर लेते हैं। हाँ तो डॉक्टर घर आया तो पानी लीक होना बंद हो गया, यहीं से हो रहा था और बहुत तेज हो रहा था। तो वैसे तो
आज अपना जिम जाने का मूड था, लेकिन भाई कभी कभार होता ना, काम पड़ जाता। कभी कभार क्या, हमें हफ्ते में 6 दिन काम पड़ जाता, 1 दिन फ्री होते हैं, तो घर पे एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज हो गई ना, अब दिमाग में शांति है, नहीं तो अंदर चलता रहता है यार आज एक्सरसाइज छूट गई। जब रेगुलर करते हो तब ऐसा दिमाग में चलता है, जब रेगुलर नहीं होती ना फिर तो छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलते हैं, अभी अपने को दिल्ली जाना, रात को वापसी आएंगे, लेट्स गो। वैसे तो आपने रात को देख ली होगी ट्रॉफी, लेकिन आपको मैं एक बार फिर दिखा दूँ भाई, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। सही है ना? मुझे बहुत मजा आया इस चीज को देख के। आंखों में आंसू भी आए हैं, पर मजा आया, प्राउड ऑन यू। ये इसको हमने यहाँ सजा दिया, देखो हमने जितनी भी चीजें मिलती है ना सारी हमने अभी यहाँ पे और बड़ी अलमारी बना रहे हैं। हाँ। अभी हमने फिल्म फेयर के अवार्ड भी जीतने हैं। अगला अनाउंसमेंट अपना ही होना, IFFI के अवार्ड होते हैं ना, उसमें अपना अनाउंसमेंट, यहाँ पे ट्रॉफी ट्रॉफी लाएंगे, बड़ी सी अलमारी बना, बस आप लोगों ने ऐसे साथ देते रहे। गाड़ी में बैठती पहले तो दोनों शीशे खोलता हूँ, जितनी भी गर्म हवा है ना बाहर निकल जाए। पता है सुबह से प्लान कर रहा था निकलने का, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी थी ना, मोबाइल पे कवर चढ़वा के आया, इतने में हालत ऐसी होगी, नहीं भाई अभी तो नहीं जाऊंगा, शाम को थोड़ा मौसम सही हो जाएगा ना। अभी टाइम भाई 5:30 हो चुके हैं, अब ठीक है, अब जा सकते हैं। गर्मी तो अभी भी है, लेकिन ठीक है, जब तक पहुंचेंगे, जब तक वापसी आएंगे मौसम ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डलवाएंगे पेट्रोल, और एक चीज और बताऊं, दिल्ली में ना पेट्रोल का रेट सस्ता हो गया। सस्ता क्या हो गया यार, 10 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम कर देते, और हम कहते हैं सस्ता हो गया। सस्ता कुछ भी नहीं हुआ है, तो महंगा ही। मैं कहां 30-32 रुपए डलवाता था, अभी भी मेरे ख्याल से 90-92 तो है ही है भाई, अभी भी 97 रुपीज लीटर है। मुझे लगा था 90 या 92 हो गया, एक्चुअली मैंने केरला में देखा था 87 रुपीज है, यहाँ पर 97 ही। क्या कम हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, उतना ही है। तो वो देख रहे हो सामने लिखा हुआ वेलकम टू दिल्ली, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहीं बाहर से दिल्ली में एंटर कर रहा हूँ। खोल दिया, अरे खोल दी, आपको देखते ही खोल दी। रोज जाते हैं, रोज चेक करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, मैं अभी बाहर वाले हाईवे से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ कापासेड़ा बॉर्डर से, और यहाँ से निकलो ना तो भाई यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो डिक्की विक्की चेक करते कि भाई यहाँ से शराब लेके वहाँ तो नहीं जा रहा बेचने के लिए, और मेरे को 2-3 बार ही रोका। अभी रोका ना तो मैं उस पुलिस वाले को जानता था, वो मेरी शक्ल जानते थे, तो मैंने फटाफट से डिक्की खोल दी। और अगर बाय चांस आपकी गाड़ी में शराब पकड़ी गई तो गाड़ी सीज है, गाड़ी कोई नहीं छोड़ सकता, भले जितने मर्जी पैसे खिला लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, गाड़ी सीज ही होगी। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था। और हाँ, मैं ये बता रहा था यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज बाहर वाले रस्ते में मेरे को तगड़ा वाला जाम दिख रहा था, गूगल पे मैंने चेक करा, और ये वाला रास्ता थोड़ा खाली दिख रहा था, हल्का फुल्का जाम यहाँ पर भी है, लेकिन ठीक है, टाइम से पहुंच जाएंगे। ये आई थिंक यहाँ पर शनि बाजार लगा हुआ है, मेरे घर के वहां पर भी लगता है। छोले भटूरे कहीं नहीं दिख रहे हमें भाई, मेरे गन्ने के जूस वाला भी दिख गया, छोले भटूरे वाला क्यों नहीं दिख रहा? हमारे वहाँ तो शनि बाजार में छोले भटूरे बहुत बिकते हैं भाई। जब मैं छोटा होता था ना और मम्मी शनि बाजार जाती थी सब्जी वगैरह लेने के लिए, मैं उनको कहता था मेरे लिए छोले भटूरे जरूर आने चाहिए, और लगा लो मैंने महीनों लगातार खाया, फिर एक टाइम के बाद छोड़ दिया। बिकॉज होता क्या है ना, वो सेम ही तेल में कंटिन्यूस तलते रहते, तेल चेंज भी नहीं करते, मतलब कम से कम लगा लो 300-400 प्लेट एक ही तेल में, वो तेल काला होता रहता, तो मम्मी मेरे को उस टाइम भी समझाती थी, लेकिन वही है ना, बच्चा होता है भाई, बच्चों को तो फिर जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, फिर धीरे धीरे मैंने खाने छोड़ दिए। वो ध्यान से देखोगे ना, ये देखो प्लेन लैंड हो रहा है भाई, यहाँ से निकलते हैं ना भाई, बहुत सारे प्लेन्स दिखते हैं। अब बताओ दिल्ली में बंदा कहाँ पहुँचेगा टाइम से, अगर इतना ज़्यादा जाम दिखेगा तो। और ये देख लो भाई, 7:20 यहीं हो गए हैं, और मुझे 7 बजे पहुँचना था, और ऐसा जाम लगा हुआ है ना, क्या ही बताऊँ, गुड़गांव का जाम भी फेल है। ओ प्रीति, टैंकी भर गई है, ये बड़ी वाली, हाँ पानी निकल रहा है बाहर, बंद करो। हो गया, बंद हो गया। पानी का सीन ऐसा है ना, जमीन के नीचे बड़े वाला टैंक है और इसी से ऊपर वाली टैंकी भरती है, उस टैंकी से घर के अंदर पानी आता है, मतलब ये टैंक भर जाता है ना तो 4-5 दिन टैंकी भरती रहती है, उसके बाद मतलब हफ्ते में एक बार ये टैंक भरने की जरूरत पड़ती है। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यही पेंड करते, रात को आते आते काफी लेट हो गया, तो इतनी तगड़ी नींद आती है, और मेरा फोन भी ऑफ हो गया था, हमारे मोबाइल में बैटरी थी नहीं, व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाया, ना गाड़ी में चार्जिंग केबल थी। घर पे आया मस्त एकदम सो गया, अभी उठाऊँ नहा धो के बाहर आऊँ। बाकी ठीक है, इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, होप करते आपको मजा आएगा, यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। सुबह जो 9-10 बजे का टाइम होता है ना, तब इतनी तगड़ी वाली धूप नहीं होती, जहाँ 11 बजते हैं ना और उसके ऊपर टाइम जाता रहता, फिर वो धूप चुभने वाली होती है, उसके बाद बाहर निकलने का मन नहीं करता। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब, ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।